हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के ब्रेकिंग के बारे में, वो बाइक की ब्रेकिंग टेक्निक जो होती है उसके बारे में। तो गाइस जैसे कि ये मेरी सुपर बाइक है, सुपर बाइक्स में जो ब्रेकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एक तो सुपर बाइक्स में ड्यूल ABS आते हैं, साथ ही में ड्यूल डिस्क भी आती है फ्रंट ब्रेक में। तो उसमें क्या होता है कि आप सिंगल मतलब एक उंगली से आप बाइक जो है आपकी रुका सकते हो। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इफेक्टिव ब्रेकिंग कैसे करना चाहिए, आपकी बाइक का जो फ्रंट ब्रेक लीवर है उसे आपने कैसे यूज करना चाहिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बाइक चलाते टाइम अपनी दो उंगलियां इस टाइप में अपने ब्रेक लीवर पर रखते हैं। तो गाइज मैं इसे सबसे एफिशिएंट वे कहूंगा बाइक चलाने का, बिकॉज अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो आप तुरंत दो उंगलियां जो है उन्हें पुल करके आपकी बाइक रोक सकते हो। अगर आप इस वे में बाइक चला रहे हो और आपको एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ा तो आपको इस वे में ब्रेक लीवर पकड़कर आपको ब्रेक करना थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, उसके चक्कर में आगे जाकर आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो सकता है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आपने बाइक इस टाइप में अगर आप बाइक चला रहे हो तो आप का जो स्टाइल है बाइकिंग का वो बहुत एफिशिएंट है, वो बहुत इफेक्टिव है। नॉर्मली जो राइडर्स होते हैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि आप इस वे में जो आपकी बाइक का जो लीवर है उसे पकड़े। तो गाइस जैसे कि ये सुपर बाइक है इसमें एडजस्टेबल लीवर आता है, आप देख रहे हो कि ये जो लीवर है ये एडजस्टेबल है। अगर मैं इसको इस वे में घुमाता हूँ तो ये जो लीवर है वो आगे चले जाएगा, और अगर इसको मैं इधर रखता हूँ तो वो पास में आएगा। तो गाइस आपको जो आपका ब्रेक लीवर है उसे आपको इतना पास में रखना है कि आपकी उंगलियों का ये जो आगे की जो टिप्स है वो वहां पर टच हो जाए, ताकि जब भी आप एक्सीलरेटर करें और आप जब भी एक्सीलरेटर कम करें तो आपका जो जो उंगलियां है वो ब्रेक लीवर पर आ जाए। अगर आपने ये जो ब्रेक लीवर है इससे थोड़ा ज्यादा ही पास में रखा है तो क्या होगा कि आप अगर एक्सीलरेटर कर रहे हो और जब भी आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ा तो जैसे ही आप एक्सीलरेटर कम करोगे आपकी उंगलियां यहां पर पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग करने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो गाइस साथ ही मैं आपको बताऊंगा अगर आप जितना दूर हो सके उतना हैंडल पकड़ो, बिकॉज अगर आप यहाँ पर अगर आप ब्रेक लीवर पुल करते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये ज़्यादा इसमें इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर। यहाँ पर से आप पुल कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, बट अगर आप ब्रेक लीवर यहाँ पर यहाँ से पुल कर रहे हो तो आपको कम ताकत में आपकी बाइक आप रोक सकते हो। अगर आप इस वे में बाइक चला रहे हो या फिर आप इधर बाइक इस वे में बाइक चला रहे हो तो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो गाइस साथ ही में मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो एकदम स्टार्ट में, यानी कि आपका जो एक्सीलरेटर होता है उसके एकदम स्टार्ट में हाथ रखते हैं, ये जो इसे हम डोनट कहते हैं इसके पास में हाथ रखते हैं। मैं कहूँगा आपने जो हाथ है आपका थोड़ा दूर रखना चाहिए, उसकी वजह से आपको बेटर हैंडलिंग में मदद होगी, बिकॉज अगर आप पास में पकड़ते हो हैंडल्स तो आपकी जो बाइक है उसे आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया आप जितना हो सके उतना दूर पकड़ो और आपका जो ब्रेक लीवर है उसे भी आप दूर पकड़ो, ताकि आप कम ताकत में बाइक को रोक सकते हो। तो गाइज ये बताने के लिए तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपके डेली राइडिंग में या फिर अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हो सुपर बाइक के साथ में तो वहाँ पर आपको मदद कर सकती है। तो गाइज आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू।